कैसे हो आप सब लोग? मैं सोचती हूँ आप सब लोग घर पे ठीक हो। तो बच्चों आज हम हिंदी सब्जेक्ट पढ़ेंगे। हिंदी सब्जेक्ट में प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था? प्रीवियस क्लास में हमने बड़ी ऊ की मात्रा को पढ़ा था। ये है बड़ी ऊ, तो इसकी मात्रा कैसी होती है? ऐसी। ये है बड़ी ऊ की मात्रा। इस मात्रा को हमने सारे व्यंजन अक्षरों पर लगाया था और देखा कि वो अक्षर क्या बने थे। जैसे क क ग घ ण से वो बन वो अक्षर बन गए ऊ ऊ ऊ ऊ न्या। ठीक है, फिर इस अक्षर से आने वाले सारे शब्दों को भी हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में। तो आज हम पढ़ेंगे ऊ की मात्रा। तो अक्षर बड़ी ऊ, बड़ी ऊ के बाद कौन सा अक्षर आता है? अक्षर ऋ। यह है ऋ, अक्षर ऋ। तो इसकी मात्रा कैसी होती है? ऋ की मात्रा ऐसी। यह है ऋ की मात्रा। आज हम इस मात्रा से आने वाले सारे व्यंजन अक्षर और उनके शब्द आज हम पढ़ेंगे। हमारा सातवां पाठ है ऋ की मात्रा। बच्चों अगर हम किसी भी व्यंजन अक्षर पर इस ऋ की मात्रा को लगाएंगे तो क्या बनता है? तो देखिए, व्यंजन का पहला अक्षर है क। व्यंजन का पहला अक्षर क, क पर मैं इस मात्रा को लगाऊंगी। जैसे ऋ की मात्रा क पर ऋ की मात्रा लगाए तो क्या बनता है? क्रो। क पर ऋ की मात्रा क्रो। इसी तरीके से हम सारे व्यंजन अक्षरों पर ऋ की मात्रा को लगाएंगे। ठीक है, तो क के बाद कौन सा अक्षर आता है? ख, ग, घ, न्या। अक्षर च, छ, ज, ज, न्या। अक्षर ट, ठ, द, द, न। तो इन 15 अक्षर, ये 15 व्यंजन अक्षर है और अक्षर लिखने के लिए मुझे जगह नहीं है, इसीलिए मैंने 15 अक्षर लिखा है। तो इस अक्षरों में हम इस मात्रा ऋ की मात्रा को लगाएंगे और देखेंगे कि वो अक्षर क्या बनते हैं। तो क पर मैंने ऋ की मात्रा लगाया था तो क पर ऋ की मात्रा क्रु। ख पर ऋ की मात्रा लगाया तो बनता है क्रु। फिर अक्षर ग, ग पर ऋ की मात्रा ग्रु। ठीक है, फिर अक्षर घ, घ पर ऋ की मात्रा ग्रु। सुनिया। फिर है अक्षर च, च पर ऋ की मात्रा लगाया तो बनता है छ्रु। ठीक है बच्चों, फिर है छ, छ पर ऋ की मात्रा लगाया तो बनता है छ्रु। फिर है अक्षर ज, ज पर ऋ की मात्रा लगाया तो बनता है झ्रु। अक्षर झ, झ पर ऋ की मात्रा लगाया तो झ्रु। न्या। ठीक है बच्चों, फिर अक्षर ट, ट पर ऋ की मात्रा लगाया तो बनता है ट्रु। ख, बड़ी ख है तो इस पर ख पर ऋ की मात्रा ट्रु। ड, ड पर ऋ की मात्रा ड्रु। ध, ध पर ऋ की मात्रा ध्रु। अक्षर न, न पर ऋ की मात्रा लगाया तो बनता है नो। तो ये हमने सारे व्यंजन अक्षरों पर इस ऋ की मात्रा को लगाया तो वो क्या बन गया? जैसे क का ग घ ण से क्रु 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 न्या। ठीक है, इस तरीके से हम इसको पढ़ना है। तो फिर दूसरा यहाँ पर किया है, शब्दों को चित्र से मिलाओ। यानी कि बच्चों अक्षरों को इकट्ठा और मात्राओं को अलग करके
शब्द दिए हैं, इस शब्द को हमें क्या करना है, अक्षर और उस मात्रा को अलग अलग करके लिखेंगे। जैसे कि मैं बोर्ड पे लिखूंगी
कृपा कीजिए, कहते हैं ना कृपा, मैंने कृपा को एक जोड़कर एक सही शब्द बनाया है। तो तीसरा है कृष, तीसरा कौन सा है से मिलाओ हम आज पढ़ेंगे। जैसे कि दुर्गा,
वर्ष वा पे रूपी मात्रा वर्ष वर्ष। तो ये थे दो चित्र जिसमें जिसके शब्द रूपी मात्रा से आते हैं। ठीक है बच्चों, फिर दिया है रू लगाकर शब्द बनाओ और शब्द पढ़ो। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं उसमें अक्षर रू नहीं है, तो हमें क्या करना है अक्षर रू को डालकर उस शब्द को सही शब्द बनाएंगे। जैसे कि देखिए समझ आ गया है रूप की मात्रा। ठीक है, थैंक यू।